दोस्तों मैं दोनों हाथों से आप लोगों के सामने दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को मैं सपोर्ट मांग रहा हूं। दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है। दोस्तों देखिए आप लोगों के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं इस दुनिया में जी पाऊँगा। दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं इतना दिन से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है। दोस्तों देखिए आप लोगों की वजह से मुझे इस दुनिया में रहना है, अदरवाइज़ दोस्तों मैं इस दुनिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इतना मेहनत से एक एक वीडियो बनाता हूँ लेकिन एक भी बंदा मेरा वीडियो वॉच नहीं करता है। दोस्तों मैं जब रात सोता हूँ तो उस टाइम दोस्तों मेरा माइंड में एक ही होता है कि यूट्यूब होता है, दोस्तों मैं किसी काम पर लग जाता हूँ तो उस टाइम मेरा माइंड में एक ही सोच होता है कि यूट्यूब है, दोस्तों इतना कुछ करके, इतना मेहनत करके एक एक वीडियो मेरे चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ लेकिन एक भी बंदा मेरा वीडियो जो है वॉच नहीं करता है, दोस्तों क्या आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर से और आपने आपके चैनल पर सब कुछ सही कर लिया है, उसके बावजूद आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, आपके जो चैनल है चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपके चैनल की जो 4000 घंटा है वो भी आपने कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो ऐसे में दोस्तों आपके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है ये आप ज़रा सोचिए और उसके बाद आपके चैनल पर आप काम कीजिए। जैसे कि दोस्तों आपको लगता है कि आपने तो सब कुछ सही कर लिया है, तो भाई इतना कुछ आपने सही कर लिया है तो आखिर आपके वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, आपने बिल्कुल नहीं सोचा है। सो दोस्तों सबसे पहले तो मेरा जो पहचान है मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और मेरा जो पुराना चैनल है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उस चैनल से मेरा अर्निंग हो रहा है। और ये जो चैनल है मैंने इसलिए खड़ा किया है कि मैं यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मैंने देखा है कि यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नया नया यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं। भाई मुझे पता है कि इन लोग एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए यूट्यूब पर आया है और एक चैनल बनाया है ताकि YouTube चैनल से थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सके, इसलिए चैनल बनाया है। लेकिन जो फेक वीडियो प्रोवाइड करता है YouTube पर, इन लोगों की वजह से जो नया क्रिएटर से बिल्कुल आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि गलत प्रोसेस YouTube पर बताया जाता है और गलत प्रोसेस फॉलो करता है जो न्यू क्रिएटर से। न्यू क्रिएटर्स को थोड़ी ना पता है कि YouTube पर कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। जो YouTube पर फेक वीडियो प्रोवाइड करता है इन लोगों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है न्यू क्रिएटर्स को, ये आप जरा सोचिए और उसके बाद आपके चैनल पर आप काम कीजिए। भाई सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन इस तरह तकलीफ किया है, बहुत मेहनत से मैं एक एक वीडियो अपलोड किया है और लगभग एक साल के बाद मेरा चैनल जो है मैंने मोनेटाइजेशन कर पाया है, इसके बाद मेरे चैनल से अर्निंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज जब मुझे पुराना बात याद आता है कि मैंने मेरा चैनल कैसे ग्रो किया है तो आज तो मेरा नींद भी नहीं आता है, क्योंकि पुराना जो इतना मुश्किल से मैंने एक एक वीडियो अपलोड किया है, इतना मुश्किल से मैं जंगल जाके एक एक वीडियो शूट किया है और उसके बाद मेरे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। आज तो मेरे वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं ये तो मैंने मेरी मतलब वॉल पर मैंने लगवाया है, लेकिन दोस्तों एक दिन मेरे पास ऐसा था कि मैं जंगल जाके वीडियो शूट करना पड़ता है और उसके बाद मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किया है। इसी तरह दोस्तों एक साल मैंने मेहनत किया है, उसके बाद मेरे चैनल जो है मैंने मोनेटाइजेशन किया है। सो दोस्तों अगर आप भी मेहनत करना चाहते हो और आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हो और आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों भाई मैं दोनों हाथ से मतलब एक साथ जोड़ के आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद दोस्तों आपको मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि आखिर कैसे यूट्यूब पर काम करना है, किस तरह यूट्यूब पर काम करने से आपके चैनल जो है आप ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको 5 पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसी 5 पॉइंट के थ्रू आपके चैनल जो है आप ग्रो कर पाएंगे। अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि आपके लिए YouTube बिल्कुल बेकार है। तो सबसे फास्ट जो पॉइंट है दोस्तों ये नोट करना है, दोस्तों किसी पेपर पर आप लिख के रखना है कि ये पॉइंट क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो पर जो बात करते हो, बात करने की जो तरीका है ये तरीका आपको अच्छा होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप सोच लेते हो कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, भाषा में अगर कुछ कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जो टॉपिक या जो कंटेंट ऑडियंस को प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑडियंस क्या करता है कि आपके कंटेंट पर फोकस रखता है, आपकी बातों पर नहीं, यानी कि आपने बात गलत बोल दिया है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है।
आपको चेहरा काला है, आपको देखने में अच्छा नहीं है, ये चीज़ ऑडियंस ने बिल्कुल फोकस नहीं करता है। ऑडियंस बिल्कुल आपके जो कंटेंट है कंटेंट पर फोकस करता है कि आखिर जो इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं आपके वीडियो के थ्रू, वही ऑडियंस फोकस करता है। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वीडियो में थोड़ा बहुत क्वालिटी आना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि एक न्यू क्रिएटर्स के लिए क्वालिटी वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी दोस्तों मैं इतना तो आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों आपको ट्राई करना है, हर एक दिन ट्राई करना है कि वीडियो में क्वालिटी अगर कैसे लाना है, या आपको ट्राई करना है और धीरे धीरे आपकी जो क्वालिटी है इंक्रीज होते जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है ऑडियंस पसंद करना शुरू करता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वीडियो की जो थंबनेल है, थंबनेल आप जैसे तैसे बनाओगे और आपके चैनल पर आप थंबनेल जो है सेट करोगी तो ऑडियंस बिल्कुल क्लिक नहीं करता है। दोस्तों आज के डेट में यूट्यूब पर काफ़ी कंपटीशन है और कंपटीशन के बीच में अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो जो है सबसे पहले रैंक करे या सबसे पहले ऑडियंस के सामने पहुँच सके, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो की जो थंबनेल है HD क्वालिटी में होना चाहिए और वीडियो में थोड़ा बहुत क्लिक बेट होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो इसी टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो है, तो दोस्तों आप भी एक बार ज़रा सोच लीजिए कि हज़ारों वीडियो हैं और हज़ारों वीडियो छोड़ के आपके वीडियो पर लोग क्यों क्लिक करें। तो इसका रीज़न एक ही होता है कि दोस्तों जो थंबनेल है, थंबनेल पर थोड़ा बहुत क्लिक बेट करना होता है, उसके बाद दोस्तों ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके कंटेंट अच्छा है, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छा है, तो भी दोस्तों ऑडियंस ने आपके पूरा वीडियो वॉच करता है। सो दोस्तों मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, ये तो मतलब लाखों वीडियो हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपने उस टॉपिक के ऊपर आपने भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो क्या ऑडियंस आपके वीडियो देखेंगे? हाँ जी हाँ, 100% आपकी वीडियो जो है देखेंगे। लेकिन दोस्तों थंबनेल पर आपको ऐसा वर्ड लिखना है जिस वर्ड के थ्रू ऑडियंस बिना क्लिक करते हुए नहीं जा पाएंगे, ऐसा थंबनेल आपको क्रिएट करना है। सो दोस्तों चलिए आप थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो आप वीडियो की टाइटल आप यहाँ पर लिखते हो, टाइटल दोस्तों आपको लगभग एक घंटे या आधा घंटा आपको सोचना है कि आखिर इस वीडियो की टाइटल क्या होता है, ये टाइटल सबसे टॉप या सबसे रैंकिंग टाइटल होना चाहिए। दोस्तों जो भी पॉइंट के ऊपर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं सोचते हो और जैसे तैसे एक टाइटल लिख देते हो आपके वीडियो में, तो दोस्तों आपके वीडियो जो है कभी भी रैंक नहीं करता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि एक वीडियो रैंक करने में क्या क्या मतलब यहाँ पर मदद चाहिए। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट जो है दोस्तों आपकी जो वीडियो की टाइटल है टाइटल, सेकंड जो है आपके डिस्क्रिप्शन और थर्ड जो है आपकी टैग, ये तीनों चीज़ों से आपकी जो वीडियो है रैंक करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे तैसे डिस्क्रिप्शन टाइटल और टैग या आप जैसे तैसे लिखोगी तो आपकी वीडियो क्या है, एक साल क्या है, एक दिन क्या है, हज़ारों साल बाद आपकी वीडियो जो है रैंक कभी भी नहीं करता है। इसलिए दोस्तों ये तीनों चीज़ों पर आपको 100 से 100 तक फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों टाइटल कैसे रिचार्ज करना है, आपकी टाइटल कैसे लिखना है, वीडियो की टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन पर क्या क्या लिखना है, कौन सा चीज़ लिखने से आपकी वीडियो जो है रैंक करने में चांसेस होता है, टैग पर कैसे रैंकिंग वाला टैग आप लिख सकते हो, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इतना मेहनत करने के बाद दोस्तों एक एक चैनल ग्रो होता है, जैसे तैसे चैनल ग्रो नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि आज के डेट में यूट्यूब पर काफ़ी कंपटीशन है और कंपटीशन के बीच में अगर आपके चैनल आप चाहते हो कि आगे लेके जाना है, तो दोस्तों आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होता है। गादे की तरह अगर आपके चैनल पर आप काम करोगी तो 0% ग्रो होता है, 100 क्या है, 0% आपके चैनल जो है ग्रो होता है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होता है और आपको लगता है कि मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, भाई बिल्कुल नहीं, सबसे पहले आप एक बार जरा चेक कर लेना है, इस लिंक पर क्लिक करके आप एक बार देख लेना है, मेरा जो पुराना चैनल है पुराना चैनल की वीडियो एक बार देख लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको उम्मीद जगता है कि सच में मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है YouTube के रिलेटेड। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पसीना निकाल रहा है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत करना होता है, कितना मुश्किल से एक एक वीडियो अपलोड करना होता है, टॉपिक जो है ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। सो दोस्तों इतना मुश्किल करते हुए एक एक वीडियो अपलोड करना होता है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, इस चैनल में रहते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।